जय हिंद दोस्तों, मैं शेर सिंह पटियाली, मेरे चैनल शेर हिमाचल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल शेर हिमाचल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल शेर हिमाचल को जो है एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं जो हूँ आजकल गोवा में हूँ और ये मेरा गोवा का फर्स्ट व्लॉग है और अभी बागा बीच में हूँ। जो ये बागा बीच जो जहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट में हूँ बागा बीच पे, वहाँ पे अभी दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा सामने लिखा है बागा बीच और ये यहाँ से जो है बागा बीच स्टार्ट होता है। ये बागा बीच का लास्ट पॉइंट है और यहीं से बागा बीच स्टार्ट होता है और इस तरह से आगे ये पूरा जो आप सामने देख रहे पूरा जो है बागा बीच है और इससे आगे आता है कलंगुट बीच और कलंगुट बीच से आगे है कैंडलम बीच और ये बागा बीच और बागा बीच से यहाँ पे इस तरह के शेक वगैरह है, रेस्टोरेंट वगैरह है, शेक है और ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट वाला है जहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। ये देखिए अभी समंदर थोड़ा आगे, मैं थोड़ा पीछे जैसे हूँ और आपको क्लोज से समंदर दिखाऊँगा। अभी यहाँ से मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ, ये देखिए बागा बीच जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से इस तरह का व्यूज़ रहता है और क्राउड काफ़ी ज़्यादा रहता है। नॉर्मल जो है बागा बीच में इतना क्राउड जो है हमेशा ही रहता है। ये देखिए काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे लोग जो आपको दिख रहे होंगे, इतना नॉर्मल क्राउड जो आपको रहेगा ही रहेगा बागा बीच पे। दोस्तों ये मैं अभी बागा बीच में हूँ, ये पॉइंट है, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे इस पॉइंट पे। ये देखिए मेरे पीछे आपको जो है नज़र आ रहा होगा बहुत से लोग जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसमें बनाना राइड वगैरह होती है यहाँ पे और भी बहुत चार पाँच जो एक्टिविटीज़ की जाती है। थोड़ा डीप अंदर जो है ओशन में जाके यहाँ पर स्लाइडिंग वगैरह होता है, इस तरह से बहुत सी एक्टिविटीज़ है। इसका मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है बागा बीच में। एक ये पॉइंट, एक और इसके पीछे एक दूसरा पॉइंट भी, एक कलंगुट वाला पॉइंट है जो कलंगुट बीच से थोड़ा सा आगे को आता है, एक दूसरा मेन बागा बीच से थोड़ा सा आगे को आएंगे आप बागा बीच से ही दूसरा पॉइंट है, ये कलंगुट बीच वाला है ये भी बागा बीच ही है। ये देखिए इस तरह से अभी जो है सीजन की स्टार्टिंग हो रही है तो अभी ज़्यादा क्राउड नहीं है बागा बीच पे। ये देखिए और अभी जो सनसेट होने वाला कुछ टाइम में यहाँ पे, ये देखिए इस तरह का व्यू रहता है सनसेट के टाइम पे। ये देखिए समंदर में जो है सूर्य की किरणें पड़ रही है अभी, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो सनसेट हो जाएगा इस तरह से। थोड़ी देर में लगभग जो है 5:30 बजे के आसपास यहाँ सनसेट होता है, क्योंकि 4:30 हुए हैं, लगभग जो एक घंटे का समय अभी सनसेट होने में। ये देखिए इस तरह से बागा बीच, बाकी क्लोज व्यू में दिखाता हूँ मैं आपको, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे कुछ एक लोग कर रहे हैं वो आपको मैं क्लोज व्यू में दिखाता हूँ। ये सामने जो है बनाना राइड हो रही है, ये देखिए इस तरह से लोग जो बनाना राइड कर रहे हैं, सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए और इस बनाना राइड में क्या रहता है कि जब आप वापस आते हैं तब जो बोर्ड जो है राइड करने वाले को गिरा देते हैं। जो दिखाता हूँ मैं आपको, देखना आपने नोटिस करना, अभी बनाना राइड हो रहा है। ये देखिए और सामने जो पैराग्लाइडिंग हो रही है अभी आपको दिख रहा होगा, पैराग्लाइडिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे, बनाना राइड हो रही है, इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। ये बागा बीच है कलंगुट वाली साइड से, एक और दूसरी जगह जो बागा बीच मेन एंट्री वाला वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है। ये अभी सामने बनाना राइड हो रही है इस तरह से और ये अभी सनसेट का टाइम होने वाला है। ये देखिए अभी थोड़ा ही टाइम बचा, लगभग 1 घंटे के अंदर जो सनसेट हो जाएगा। और ये सामने बनाना राइड ये देखिए अब गिरा दिया बनाना राइड में, ये बनाना राइड थी। बाकी कभी मैं एक और सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें रहती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, क्या क्या कराते हैं, उसका मैं एक अलग से सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा। दोस्तों ये अभी जो है मैं एकदम समंदर के पास में हूँ और ये पीछे लहरें आ रही है, अभी जो है ज़्यादा तेज़ लहरें नहीं आ रही है, हल्की हल्की लहरें आ रही है और दिन के टाइम जो है लहर ज़्यादा तेज़ नहीं आती है, शाम के टाइम जो काफ़ी तेज़ लहर हो जाती है।
देखिए सर, बिल्कुल आराम से जो अभी पानी आ रहा है, ये देखिए समंदर के बिल्कुल पास में है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है बागा बीच का, ये देखिए इस तरह से। और इससे आगे जो अंजना बीच है, ये देखिए पीछे को, यहाँ पे काफ़ी बोट वगैरह भी है, इस तरह से। अभी सामने से धूप लग रही है तब जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, अभी बिल्कुल आराम से लहरें आ रही है बिल्कुल शांति के साथ, ये देखिए इस तरह से। अभी थोड़ी तेज़ लहरें आई, आगे देख रहे होंगे थोड़ी तेज़ लहरें आ रही है, लेकिन अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे बिल्कुल शांति से आ रही है, बिल्कुल आराम से लहरें आ रही है। यानी कि ये कहा जाए कि अभी इस समंदर में जो खामोशी है, ये देखिए इस तरह से। और ये यहाँ पे जो बोट राइडिंग वगैरह होती है, मैं जो काफ़ी बार बोट राइडिंग कर चुका हूँ यहाँ पे, जो नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगा मैं बोट राइडिंग से रिलेटेड बनाऊँगा। ये देखिए इस तरह से, ये गोवा का बागा बीच है और क्राउड देखिए कितना क्राउड है, ये लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, फोटो शूट कर रहे हैं। दोस्तों इस पॉइंट पे लहर थोड़ी ज़्यादा तेज आ रही है, ये देखिए थोड़ी ज़्यादा तेजी से यहाँ पे लहरें आ रही है, लेकिन उस साइड से धूप आ रही है तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने से धूप आ रही है इसलिए क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। अभी ये काफ़ी पीछे था मैं, पहले जब मैंने आपको शुरू में दिखाया था तो स्टार्टिंग पॉइंट है बागा बीच का, वहाँ पर था। अब मैं वहाँ से काफ़ी आगे आ चुका हूँ और ये देखिए ये भी बागा बीच ही है, काफ़ी लंबा बीच है, काफ़ी आगे तक बागा बीच है और उससे आगे कलंगुट बीच आएगा आपको। ये देखिए अभी बागा बीच में और धूप काफ़ी तेज़ है, बिना सन ग्लास के जो यहाँ पर रहा नहीं जाता है, इतनी धूप जो बहुत तेज़ गिरती है। आजकल भी दिसंबर है, दिसंबर के महीने में बहुत तेज़ धूप है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर क्राउड भी कम है और यहाँ पर लहरें काफ़ी तेज़ है, ये देखिए इस तरह से। बाकी अभी आगे जो जा रहा हूँ, आगे और आपको दिखाऊंगा क्या चीज़ें हैं।